वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 36, जो कि है 25th of September की वर्कशीट, जिसके अंदर हम देखेंगे मोशन का जो टॉपिक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होती है और उसके बाद उसकी क्या एप्लीकेशन है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पहले ही देख ली थी कि क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो वी क्या था हमारा फाइनल वेलोसिटी, यू क्या था इनिशियल वेलोसिटी, ए था एक्सेलरेशन और एस था डिस्टेंस। अब ये कैसे हम ग्राफिकली इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। पहले उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट कवर्स अ डेफिनेट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ये तो सेम ही बात कर रहा है जो पहले दो वर्कशीट में कर रहा है कि अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो जो डिस्टेंस है वो इक्वल इक्वल कवर होता है, अगर एक टाइम के बीच में हम देखना चाहें तो। टाइम का मतलब 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जो भी हो उसके बीच में जो है। 1 घंटा अगर पहले 1 घंटे में उसने जो डिस्टेंस कवर करा, दूसरे 1 घंटे में भी वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस, इसके बीच में ये रिलेशनशिप पता चलता है। दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो अभी हम देखेंगे, ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। दिस कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एलिमिनेटिंग टी फ्रॉम देम। तो यहाँ पर टाइम को जो है वो एलिमिनेट करा जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि यहाँ पर टाइम नहीं है, पहली वाली दो इक्वेशन में आपको टाइम मिल जाएगा या आपको टाइम नहीं चाहिए जब ये वाली इक्वेशन का हम यूज करेंगे। यहाँ पे इन्होंने डेरिवेशन दे रखी है, एक ऑब्जेक्ट है वो ए से स्टार्ट हुआ और बी तक पहुंचा, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो हो गई यू और जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वी। अगर आपको याद हो तो हमने ए टी कैसे निकाला था, मैं एक और बार इसमें बता देता हूँ। ए टी हमने किस तरीके से निकाला था, ए और टी बेसिकली एक डिस्टेंस है बी डी का डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला, ठीक है। स्पीड स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन, बेसिकली स्पीड क्या है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है बी डी अपॉन टाइम। तो अगर मैं टी को उधर लेके जाऊँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी की जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ए टी, तो इसी वजह से यहाँ पर ए टी लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बी डी जहां पर भी लिखा हुआ आएगा वहां पर हम ए टी लिख देंगे, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर, उन्होंने और क्या बोला है, एक सेकेंड, आगे इन्होंने बोला है ये वाला फॉर्मूला निकाला है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया ट्राइंगल का। बट यहाँ पर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, चार साइड हो गए ना, तो क्वाड्रिलेटरल है। ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब हाइट ये है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओके इनटू हाइट, और जो भी इसका आंसर होता है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो सम ऑफ पैरेलल साइड, अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, आप इसमें देख सकते हैं ये साइड और ये साइड पैरेलल है। सो ओ ए इंटू बी सी, ओ ए सॉरी ओ ए प्लस सम बोला ना उसने, प्लस ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बेसिकली। तो हम यहाँ पे चाहे डिस्टेंस हम लिख सकते हैं ए डी या ओ सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ये डिस्टेंस ओ सी, उन्होंने ओ सी लिया है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये सारी सारी वैल्यूज आ गई। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए क्या है यू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। बी सी क्या है, वी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ओ सी क्या था टी। अब हमने बोला था कि टी हटाना है, याद होगा आपने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे लिखा है एलिमिनेटिंग टी, टी को हटाना है, तो टी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी बेसिकली। तो टी की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं।
यहां तक तो आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी, s इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू टी अपॉन टू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें पहली इक्वेशन पता है मोशन की क्या होती है, वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं यहां से u को अगर दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। अब मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो यहां से ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो a को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी, तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई टी की। अब मैं टी की वैल्यू कहाँ कर दूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यू प्लस वी यहाँ से देख रहे होंगे, और टी क्या आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन टू ए। ओके, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एस इक्वल्स टू वी प्लस यू मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू अपॉन टू ए। सो ये एक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आपका आ गया, और टू ए उधर गया तो क्या हो गया, टू ए एस। तो ये तो हो गई आपकी इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम चलते हैं इसके बेसिस पे, कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो ये तो हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन और ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। आगे अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप इसको आप लिख सकते हैं और साथ में इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये जो डायग्राम है वो ये वाला आप बना लें। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। जरूर इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से और जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आई हो। तो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ कार इज स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम अ रेस्ट। रेस्ट का मतलब हो गया रुकी हुई थी कार, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, वो हो गई 0। रेस्ट का मतलब होता है यू और ये हो गया 0। तो उसके बाद उन्होंने बोला है एंड फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो उन्होंने टाइम भी दे दिया और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। मैं इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके, आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 10 थी, टाइम क्या था, 5 मिनट। अब पूरा का पूरा जो डिस्टेंस और ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो मीटर पर सेकंड में होते हैं, तो मीटर पर सेकंड में होने की वजह से मैंने इसको पहले क्या करा है, पहले इसको सेकंड में निकाल दिया, 300 सेकंड इसका आंसर आ गया मिनट्स का। और इसके बाद हमने पहले इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, मतलब एक्सेलरेशन निकालनी है। बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन की मदद से मैंने इसको यहाँ पे निकाला, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैं आपने देखा होगा अभी मैंने निकालना भी दिखाया था आपको, यू पहले उधर भेजूंगा तो वी माइनस यू हो जाएगा और टी जो है नीचे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 10 माइनस 0 अपॉन 300, तो 10 माइनस 0 10 होता है, अपॉन 300 1 अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई आपकी इसकी एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज हमें निकालनी थी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमें सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो 0 इंटू टी, देखो 0 इंटू टाइम है 300, 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 30 होता है 1 अपॉन 60, और यहाँ पे 300 का स्क्वायर क्या होगा, 90,000, और ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 90,000 इंटू 1 90,000 अपॉन 60। 0 से प्लस करेंगे तो कुछ नहीं चेंज होगा, तो सेम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 मीटर आ गया आपका इसका आंसर। तो अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें इस वीडियो को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।